सो है व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3D कार रेसिंग गेम्स के कलेक्शन, जिनके अभी अभी नए नए अपडेट्स आए हैं 2021 में। और अगर आपको कार रेसिंग गेम्स खेलना पसंद है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं गेम्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारे के सारे गेम्स 3D है। और यहाँ पे जो आप वीडियो में देख रहे हो यही सब गेम्स के कलेक्शंस हैं जो आपको खेलने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और दूसरी बात ये है कि सभी गेम्स एंड्रॉयड पर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और iOS पे ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। लेकिन हमेशा की तरह अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला गेम आता है उस गेम का नाम है F1 मोबाइल। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो F1 मोबाइल का मतलब है Formula 1 मोबाइल। अब नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि Formula 1 गेम्स में जो आपको टॉप प्रायोरिटी के रेसिंग कार्स मिलेंगे जिन्हें आपको ड्राइव करना होगा। अब यहाँ पे आपको शायद ही ये बात पता होगा कि जो 2020 FIA Formula 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था उनमें से मोटर रेसिंग चैम्पियनशिप के जो प्लेयर्स थे वही सब प्लेयर्स के कैरेक्टर्स, उनके टीम्स, ड्राइवर्स और जो उन्होंने हेलमेट पहना था उसी को देखते हुए कोड मास्टर सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड ने इस गेम को डिज़ाइन किया है। और इस गेम का साइज़ है 665 MB, जिसे आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गेम के कंट्रोल्स भी काफ़ी सिंपल है, आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा कार को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि टिल्ट डिवाइस और लेफ्ट राइट बटन का। मेरे लिए तो लेफ्ट राइट बटन बेस्ट ऑप्शन है। और ये गेम पूरा का पूरा ऑनलाइन है, यानी कि आपको इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है इस गेम को खेलने के लिए। Formula 1 मोबाइल में आपको काफ़ी सारे इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाई स्टेक्स इवेंट्स जो कि मंथली होते हैं, और थ्रिलिंग रेस का भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आपको सारे रेसिंग कार्स को बीट करना होगा और इसे आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। गाइस लिस्ट में हमारा जो दूसरा गेम आता है उस गेम का नाम है प्रोजेक्ट कार्स गो। और जिस कंपनी ने इस गेम को डिज़ाइन किया है उस कंपनी का नाम है गेम इविल। और इस गेम का साइज़ है 880 MB का। यहाँ पे आप इस गेम के ग्राफिक को देख सकते हो कि काफ़ी मस्त है। और अगर इसके कंट्रोल्स की बात करूँ तो ये एक वन टच कंट्रोल रेसिंग गेम है, जहाँ पे आपको कार को मूव करने के लिए कोई दूसरे कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आप एक ही फिंगर से पूरे गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कंट्रोल्स जैसे कि सिंगल टच या फिर डबल टच से आप कार के नाइट्रो को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कई सारे अलग अलग गेम मोड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि टाइम ट्रायल्स, वर्ल्ड टूर्स के रेसिंग ट्रैक्स और डेली मिशंस। जैसे जैसे आप मिशंस में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे कई सारे ब्रांड्स को अनलॉक कर सकते हैं, रेसिंग कार भी अनलॉक होंगे और कार्स के पेंट्स, पैटर्न्स और लिवरीज भी अनलॉक कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गेम सारे मोबाइल्स को सपोर्ट नहीं करेगा। मिनिमम 3 GB रैम आपके मोबाइल में होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो। गेम की ग्राफिक की क्वालिटी मस्त है, कई सारे अलग अलग ब्रांड्स के कार्स आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग सिटीज़ के स्ट्रीट पे आप रेसिंग कर सकते हैं, जैसे कि लास वेगास, लॉन्ग बीच, सिंगापुर और भी बहुत सारे। गाइस लिस्ट में हमारा जो तीसरा गेम आता है उस गेम का नाम है नाइट्रो नेशन ड्रैगन ड्रिफ्ट। और ये गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, यानी कि आप इसे ऑफलाइन नहीं खेल सकते। इस गेम को डिज़ाइन और डेवलप किया है क्रिएटिव मोबाइल गेम्स ने और इस गेम का साइज़ है 844 MB का। इसमें आपको कई सारे सुपर कार्स, एग्जॉटिक और मॉडर्न मस्कुलर कार्स के ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑडी, BMW, डॉच, फोर्ड, जैगवा, मर्सिडीज बेंस और भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स। अब यहाँ पे आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन इस गेम में आपको 100 से भी ज़्यादा रियल कार्स के मॉडल्स देखने को मिलेंगे जिसे आप सेलेक्ट करके रेस कर सकते हैं। अगर मैं इसके कंट्रोल्स की बात करूँ तो गेम के कंट्रोल्स भी काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ कार को एक्सेलरेट करना होगा जब भी मीटर का नीडल ग्रीन की तरफ जाएगा, और साथ ही साथ वैसे ही आपको गियर्स भी चेंज करने होंगे। स्टार्टिंग के मिशंस थोड़े से सिंपल और इजी होंगे, लेकिन जैसे ही आपके गेम में स्किल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गेम भी बहुत हार्ड होता जाएगा। और लास्ट, इस गेम को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में खेलने के लिए मिनिमम 1 GB रैम आपके मोबाइल में होना चाहिए। गाइस लिस्ट में हमारा जो फोर्थ नंबर पे गेम आता है उस गेम का नाम है CSR रेसिंग 2। और ये गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, यानी कि आप इसे ऑफलाइन नहीं खेल सकते। जिस कंपनी ने इस गेम को डिज़ाइन किया है उस कंपनी का नाम है नेचुरल मोशन गेम्स लिमिटेड और इस गेम का साइज़ है 2.4 GB का। इस गेम का कंट्रोल भी काफ़ी सिंपल है, और हमारे तीसरे गेम नाइट्रो नेशन ड्रैगन ड्रिफ्ट की तरह इसमें भी जब मीटर का नीडल ग्रीन की तरफ जाएगा आपको एक्सेलरेट करना होगा और वैसे ही गियर भी चेंज करना होगा। इस गेम को आप लाइव मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं और इसमें आपको 200 से भी ज़्यादा ओरिजिनल ऑफिशियली लाइसेंस्ड कार के मॉडल्स देखने को मिलेंगे जिसे सेलेक्ट करके आप रेस कर सकते हैं रेसिंग ट्रैक पे। अब यहाँ पे आपको कई सारे कार्स के मॉडल देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैकलरेन, बुकाटी, एस्ट्रॉन मार्टिन, पोर्श,
फरारी और भी बहुत सारे अलग अलग कार्स के ब्रांड। गेम की ग्राफिक क्वालिटी काफ़ी मस्त है, 200 से भी ज़्यादा कार्स के मॉडल्स है सेलेक्ट करने के लिए और फ्री में अवेलेबल है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे। गाइस लिस्ट में हमारा जो फिफ्थ एंड लास्ट नंबर पे गेम आता है उस गेम का नाम है टेक्सास सिम्स 2020 और इस गेम को डिज़ाइन और डेवलप किया है ओविडियो पॉप कंपनी ने। गाइस ये एक सिम्युलेटर गेम है और इस गेम का साइज है 800 MB और अगर मैं इस गेम के गेम मोड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ओपन वर्ल्ड शहर देखने को मिलता है जहाँ पे आपको अलग अलग सिटीज़ हैं जैसे कि न्यूयॉर्क, मायामी, रोम और लॉस एंजलिस। आपको सिंपल कार को ड्राइव करना होगा और कस्टमर को पिकअप करना होगा गेम में और उन्हें उनके डेस्टिनेशन पे लेके जाना होगा। देखने में काफ़ी सिंपल लगता है लेकिन सिंपल है नहीं। जब भी आप ये कार में कोई कस्टमर बैठा होगा, आपने कहीं भी कार को क्रैश किया तो कस्टमर एंग्री हो जाएगा और जैसे ही आप उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, कस्टमर आपको पैसे आपके ड्राइविंग के हिसाब से देगा। इस गेम में आपको कई सारे लग्जरी कार्स देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स कार और सुपर कार्स भी देखने को मिलेंगे जिसे आप सेलेक्ट करके पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर मिशंस के लिए कस्टमर को पिकअप करके उनके डेस्टिनेशन पे लेके जा सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया गेम है और ग्राफिक क्वालिटी भी काफ़ी मस्त है और अवेलेबल है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये 3D कार रेसिंग गेम्स के कलेक्शंस के वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीकली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।